नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया, dy बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, फाइन करना है y ऑफ वन, जो कि गेट 2019 मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो कि क्वेश्चन ये लिया गया। देखिए क्वेश्चन में जो कि ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला गया। ये भी एक क्वेश्चन था जो कि आपको इजी क्वेश्चन आपको था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट भी करके आए हैं। देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले गेट एग्जाम के पहले आपको मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी आपको कंडीशन गिवन होता है y ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, तो इसका ये मतलब होता है कि y ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है थ्री बाय सेवन। तो इससे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू थ्री बाय सेवन एंड x का वैल्यू हो जाएगा जीरो, जो कि ये कंडीशन से पता चल जाएगा। फाइंड करना है आपको y ऑफ वन। मेरा काम है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं आपको समझा के सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको कंडीशन इंपॉर्टेंट है। वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन इज नथिंग बट वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय सेवन, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू जीरो मिल जाएगा, वाई इज नथिंग बट थ्री बाय सेवन। फाइन करना है आपको y ऑफ वन, दैट इज y ऑफ x का वैल्यू आपको फाइन करना है। ना हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते, देखिए ये जो कि क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड पूछा गया है, dy बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ना देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, ना हम इससे सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो dy y का जो भी टर्म्स रहेगा उसे एक साथ रखेंगे और x का टर्म्स जो भी रहेगा उसे हम लोग एक साथ रखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट जीरो, राइट है। अभी ना हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बट इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं इसे सेपरेट कर देते हैं इस तरह से, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट है। समझ में आया क्या किया, डी एक्स को यहां पर लेकर गया और जो भी वाई का टर्म्स था यहां पर, तो डीवाई बाई वाई माइनस सेवन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट है। यहाँ पर यहां तक समझ में आया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय y, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ देखिए यहां से इंटीग्रेशन अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो यहां से dy बाय y, तो यहां से वन अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, राइट है। log y इज इक्वल टू माइनस सेवन है यहां पर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब है थ्री, प्लस इंटीग्रेशन हटाते हुए तो क्या होता है ऐड होता है कांस्टेंट, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे कांस्टेंट को यहां पर यूज करेंगे, राइट है। यहां तक समझ में आया। नाउ ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप चाहे तो मैं तो एक बार मैं आपको बता दूं, बट आपको मेन चीजें समझना चाहिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। नाउ देखिए अभी यहां पर कंडीशन जो भी गिवन है यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, कांस्टेंट यहां से हटाना है हमें, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए जो भी वैल्यू गिवन है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लॉग वाई, वाई का वैल्यू देखेंगे कितना है यहां पर, वाई का वैल्यू गिवन है थ्री बाय सेवन, तो यहां से लॉग वाई दैट इज लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेवन इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या गिवन है जीरो गिवन है, यहां पर हम लोग सिंपली जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस सी, तो यहां से मालूम है यहां पर अगर x की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा होल हो जाएगा जीरो, दैट इज हो जाएगा जीरो प्लस सी। नाउ यहां से c का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन, जो कि यहां से क्या मिल गया आपको c का वैल्यू मिल गया। अब नाउ जो भी c का वैल्यू मिला है हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या होगा लॉग y इज इक्वल टू माइनस सेवन इंटू एक्स क्यू बाय थ्री प्लस सी, सी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे जो भी वैल्यू मिला कांस्टेंट का उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन। नाउ यहां पर कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या होगा देखिए फाइंड करना है वाई ऑफ वन, यहां तक हम लोग ने क्या किया इंटीग्रेशन को कांस्टेंट जो भी गिवन था हम लोग ने यहां पर कांस्टेंट को हटा दिया, अभी ना हम लोग करने क्या बोले देखिए यहां पर लॉग वाई, तो इसे लॉग को एक साथ रख लेते लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन इज इक्वल टू क्या यहां पर माइनस सेवन बाय थ्री इंटू एक्स क्यू, राइट है। यहां पर अभी ना देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, क्या करना है वाई ऑफ वन का वैल्यू फाइंड करना है, तो वाई ऑफ वन कैसे मिलेगा, तो वाई ऑफ वन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए यहां पर
लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ थ्री बाय सेवन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, लॉग ऑफ वाई बाय थ्री बाय सेवन। राइट है, यहाँ तक समझ में आया। हम लोग ने क्या किया, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये इस तरह से सेवन बाय थ्री इंटू एक्स क्यूब। ना हमें पता है एक्स का वैल्यू क्या गिवेन है, वन गिवेन है, हमें फाइंड करना है वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, राइट है, अगर हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग जो भी लॉग टर्म्स है उसे हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई बाय वाई अपॉन थ्री बाय सेवन है, राइट है। तो वाई अपॉन थ्री बाय सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री इंटू एक्स क्यू। बट एक्स क्यू की जगह पे लेट से कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लॉग सेम रखते हैं, जो भी आपको गिवन है रख लेते हैं यहाँ पर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड, एक्स का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक्स का वैल्यू वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन बाय थ्री इंटू वन क्यू, दैट इज माइनस सेवन बाय थ्री हो जाएगा, राइट है। अभी नाउ हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वाई का वैल्यू के लिए ई को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे लॉग को, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर। तो ई टू द पावर हो जाएगा, तो वाई अपॉन थ्री बाय सेवन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सेवन बाय थ्री। अगर आप इसे, अगर आप यहां से अगर राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो जो y का वैल्यू मिल जाएगा, यहां पर क्या था थ्री बाय सेवन, राइट है, थ्री बाय सेवन अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री बाय सेवन, लेट से कि सेवन बाय थ्री यहां पर, तो ये हो जाएगा थ्री बाय सेवन इंटू ई रेस टू माइनस सेवन बाय थ्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था गेट मैकेनिकल 2019, जो कि कल आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, जिसे समझ में नहीं आया होगा उनके लिए। देखिए डीवाई बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, फाइंड करना है वाई ऑफ वन। हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया इसे, तो वाई जो भी वाई का टर्म्स एक साथ रखा, एक्स का टर्म्स एक साथ। नाउ इसके बाद हम लोग ने क्या किया, अगर एक साथ होता है तो इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स गिवन है डीवाई बाई डी एक्स सेवन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले सेपरेट करके ही आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये मिल जाएगा इस तरह से। नाउ यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा लॉग थ्री बाय सेवन, जो भी सी का वैल्यू मिला वन में सब्सटीट्यूट किया हम लोग ने, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग वाई, ये मिल जाएगा। नाउ हमें फाइंड करना है वाई ऑफ वन, वाई ऑफ वन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किया, लॉग थ्री बाय सेवन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, माइनस सेवन बाय थ्री इंटू एक्स क्यू, राइट है। एक्स का वैल्यू हमें गिवन है, जैसे कि हम लोग ने बात किया था, वाई ऑफ वन इज नथिंग बट क्या होता है आपका वाई ऑफ एक्स, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या है वन है। तो एक्स का वैल्यू वन है, मतलब यहां पर जो एक्स की जगह पे हम लोग ने क्या किया, वन सब्सटीट्यूट किया, तो क्या मिल जाएगा माइनस सेवन बाय थ्री, राइट है। तो लॉग अगर यहां पर राइट हैंड साइड में अगर आप लेकर जाओगे, लॉग हटाओगे, तो यहां पर हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस सेवन बाय थ्री। तो वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बाय सेवन इंटू ई रेस टू माइनस सेवन बाय थ्री। आई होप कि आपको ये आंसर, जो कि आपको ये आंसर है आपको पता होगा। ऑप्शन भी गिवन था क्वेश्चन में, बट ऑप्शन हम लोग ने लिया नहीं, आपको क्वेश्चन समझाना मेरा काम था, जो कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू गेट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर।